नमस्कार, मेरा नाम रिचा अनिरुद्ध है। मैं एक टीवी और रेडियो जर्नलिस्ट हूँ और मुझे लगता है वैसे तो अपनी माँ को याद करने के लिए या थैंक यू कहने के लिए साल में एक मदर्स डे की ज़रूरत नहीं है, बट एक दिन आता है तो अच्छा है। उस बहाने हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। ये मेरी माँ है, उनका नाम रेखा बादल है, और सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सच्ची बात है कि आज मैं जो कुछ हूँ, यहाँ बैठी हूँ, वो सब कुछ मेरी माँ की वजह से है। दो तीन चीज़ें हैं। एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पर लड़की की शादी एक प्रायोरिटी होती थी हमेशा, मेरे से पहले, ना कि उसका करियर। लेकिन मेरी माँ ने उन हालातों को बदला और माँ ने हमेशा मुझे बचपन से किरण बेदी की कहानी बताई, या हमेशा वो कहती थी कि कुछ तुम ऐसा करोगी जिससे सबका नाम रोशन हो और अपने पैरों पर खड़ी होना। और बहुत क्लियर उन्होंने मुझे कहा था कि हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी पहली सैलरी हमारे हाथ में नहीं रख दोगी। बहुत कम माएँ उस जमाने में ये सोच पाती थी कि बेटी का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत अच्छी बात यह है, ये माँ है, ये मैं हूँ, ये मेरी बेटी है। अब वो मेरी बेटी से भी ये कहती हैं कि पहले नौकरी, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। तो इतनी प्रोग्रेसिव है मेरी मदर। और हम में से अक्सर बहुत सारी महिलाओं के साथ ये होता है कि जब हम खुद माँ बनते हैं तो बच्चे को संभालने के चक्कर में हमारा करियर पीछे छूट जाता है। वहाँ पर फिर मेरी माँ मेरी ज़िंदगी में बहुत उन्होंने अहम रोल निभाया। उन्होंने कहा तुम जाओ, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, अपने सपने और मेरे सपने, हम दोनों के सपने पूरे करो, तुम्हारी बेटी को मैं संभालूंगी। तो एक बहुत बड़ी वजह है कि ये भी बताती हूँ, मेरी नानी, मेरी माँ, मैं और मेरी बेटी। और मेरी बेटी आज शायद मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा मेरी माँ के क्लोज है, क्योंकि उन्होंने ही उसको पाला जिस समय मैं अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी। सो आई ओ लॉट टू माई मदर। और इसीलिए अभी हाल ही में मुझे अपने शहर में झांसी में एक सम्मान मिला, तो मैंने कहा वहाँ पर मंच पर कि इस सम्मान की हकदार मैं नहीं हूँ, मेरी माँ है। तो फिर झांसी में उन्हें अच्छा लगता है अपने शहर में जब आप अपनी माँ को सम्मान दिला पाते हो। और उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाई। हमें संभालने के लिए उन्होंने नौकरी नहीं की, सारे सपने उन्होंने मेरी आंखों से देखे हैं, या कहें कि उनकी आंखों में जो सपने पल रहे थे उन्हें मैंने पूरा करने की कोशिश की है। सो थैंक यू माँ, जो कुछ आपने मेरे लिए किया है गिफ्ट। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि माएँ हमारे लिए सारी ज़िंदगी, सारे दिन, हर रोज़ अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं, कुछ कुछ काम करती रहती हैं, हम उन्हें दौड़ाते रहते हैं। आज भी हमारे घर में अभी भी होता है, माँ ये बना दो, माँ ये कर दो। मदर्स डे एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं माँ को एक ब्रेक देती हूँ। हर साल मेरी कोशिश होती है कि उन्हें एक अच्छा सा स्पा ट्रीटमेंट के लिए भेजूँ ताकि वो खुद को रिलैक्स कर पाएँ। सो ये गिफ्ट इस साल भी माँ के लिए।